भारत के आगे कट्टर मुस्लिम देश दिखा रहा अपनी हेकड़ी पीएम मोदी ने मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू की। होने जा रहा ऐसा एक्शन जिसे देख कांप उठेगा कतर। भारत करने जा रहा ऐसा धमाका, कतर के साथ साथ पूरी दुनिया इस एक्शन को देख हिल जाएगा। इजराइल हमास युद्ध से भी भयंकर आने वाला है बवंडर। जिस मोदी के आगे बड़े बड़े देशों ने टेक दिए घुटने, जिसके आगे हर कोई भरता है पानी, उससे पंगा लेकर कतर ने कर दी बहुत बड़ी गलती। शुरू हुई खात्मे की उल्टी गिनती। दुनिया के कई बड़े देशों के साथ कई मुस्लिम देश भी होंगे मोदी के साथ, जब हमास की तरह कतर की बर्बादी की कहानी लिखी जाएगी। जी, कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश अब अपनी उल्टी गिनती गिन रहा है। 56 मुस्लिम देशों के दम पर इतराने वाला कतर को अब भारत उसकी औकात दिखाने जा रहा है। कतर ये भूल चुका था कि जिस भारत से उसने पंगा लिया है उसके आगे पूरी दुनिया सरेंडर करती है। यहाँ तक कि दुनिया के 56 मुस्लिम देश भी मोदी के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को तब मिला जब इसराइल हमास युद्ध के बीच में जहाँ भारत इसराइल के साथ खड़ा था, तो वहीं दुनिया के सभी बड़े और ताकतवर देश भी भारत के साथ फैसले का समर्थन कर रहे थे। लेकिन कई मुस्लिम देश भारत के द्वारा इसराइल को समर्थन देने पर कड़ा विरोध जता रहे थे, लेकिन मोदी ने अपनी चड़क नीति अपनाते हुए एक झटके में मोदी के विरोधी मुस्लिम देशों को भी शांत कर दिया और फिलिस्तीन को भी समर्थन देते हुए चुप करा दिया। मोदी ने ऐसा करारा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। लेकिन कतर विरोध में खड़ा रहा, भारत से पंगा लेने की बड़ी प्लानिंग करता रहा। लेकिन कतर ने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब पीएम मोदी इस देश को उसकी औकात दिखाने जा रहे हैं। दरअसल इस समय कतर और भारत के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह है कि कतर ने भारत के 8 पूर्व नौ सैनिकों को गैर कानूनी तरीके से फांसी की सजा सुनाई है। कतर ने इन 9 सैनिकों पर झूठा आरोप लगाते हुए कहा है कि इन्होंने वहां की सरकारी सुरक्षा कंपनी में नौकरी करते हुए सेंध लगाई है और जासूसी की है, जिसके बाद पीएम मोदी ने अपने हनुमान जयशंकर के साथ मिलकर इस देश को बर्बाद करने और सूली पर चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये तय है कि सूली पर भारत के 9 सैनिक नहीं बल्कि कतर खुद ही चढ़ेगा। हैरानी की बात तो ये है कि कतर को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, इसराइल, अमेरिका जैसे कई देश मिलकर मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। ये वही कतर है जिसने हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया था, उस वक्त भी ये विवादों में था और खबर आई थी कि कई भारतीय मजदूरों की स्टेडियम तैयार करवाने में मौत हो गई थी। यही नहीं, अपनी कट्टरता को लेकर ये देश दुनिया में जाना जाता है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड कप के आयोजन के दौरान पूरी दुनिया को ज्ञान देने के लिए इसने भारत के भगोड़े जाकिर नायक को बुलाया था। इस रिपोर्ट को आप पूरा देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे पीएम मोदी अब इस कतर को सूली पर चढ़ाने की पूरी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, किन वजहों से कतर ने भारत को भड़काने की पूरी तैयारी की है। बताते चले कि कतर के ऊपर खाड़ी देश कट्टरता और आतंकवाद फैलाने के कई बड़े आरोप लगाते रहते हैं। कतर इतना जिद्दी देश है कि अपनी बात के आगे किसी भी देश की नहीं सुनता, यहाँ तक कि मुस्लिम देश से भी इसके रिश्ते खराब है। यही वजह कि इसके विरोध में कई मुस्लिम देश भी खड़े हैं और अब भारत के साथ मिलकर इसे कड़ी सजा देने की बात कर रहे हैं। बताते चले कि साल 2017 में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, इजिप्ट जैसे देशों ने अपने राजनीतिक संबंध कतर से तोड़ लिया था। उस दौरान सऊदी अरब ने बड़ा आरोप लगाया था कि कतर कई आतंकवादी संगठनों का समर्थन करता है। उस दौरान हालत ऐसे हो गए थे कि अपने देश से कतर जाने वाले फ्लाइट पर रोक लगा दी थी। यही नहीं, इन सभी देशों ने कतर के नागरिकों को भी अपने देश से बाहर कर दिया था। वहीं दुनिया भर में कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली, जहर घोलने वाली कतर की मीडिया कंपनी अल जजीरा को भी बैन कर दिया गया था। ऐसे में भारत कतर को इस तरीके से बर्बाद करने जा रहा है जैसे किसी आतंकी संगठन का नामो निशान मिटाया जाता है। घमंड में चूर कतर को पीएम मोदी मिटाने का प्लान बना चुके हैं। भारत और कतर के बीच व्यापार को लेकर भी कई चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। ऐसे में भारत अब कतर को भूखा नंगा करके मिटाएगा, खाने पीने वाली कई चीजों पर रोक लगाएगा और ऐसी सजा देगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। पिछले कई सालों से भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को तड़पा तड़पा कर मारा है, रोटी के लिए नमक के लिए तरसाया है। हाल ही में कनाडा ने भी भारत से पंगा लेकर जो बड़ी गलती की थी, अब उसकी सजा कनाडा को मिल रही है। कई चीजें भारत की तरफ से रोक दी गई हैं। अब ऐसा ही हाल कुछ कतर का भी होने वाला है। भारत के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि ज्यादातर खाड़ी देश खुद कतर के विरोध में है। ऐसे में भारत जब कतर पर एक्शन लेगा तो इन देशों का साथ मिलना तय माना जा रहा है। खाड़ी देशों के साथ दुनिया के सभी ताकतवर देश भारत के साथ खड़े नजर आएंगे। दरअसल कतर इसलिए आग बबूला है क्योंकि भारत ने इसराइल का समर्थन किया है। कतर ने इसराइल और भारत दोनों का गिरेबान पकड़ने की कोशिश की है। कतर पाकिस्तान को अपना छोटा भाई मानता है। उसकी यही कोशिश है कि खाड़ी देश में रहने वाले जितने भी देश हैं वो भारत के नजदीक ना आए या फिर भारत के साथ इन खाड़ी मुस्लिम देशों के संबंध ना बने। वहीं कतर के भारत से पंगा लेने की दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जब भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर आईएमएफ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी, जिसकी वजह से ये कॉरिडोर भारत को यूरोप से जोड़ता, जिसकी वजह से भारत ग्लोबल पावर बन सकता था। यही वजह कि कतर ऐसा नहीं चाहता था कि भारत ग्लोबल पावर बने। वहीं कतर के मंसूबे इतने गंदे हैं कि वो नहीं चाहता कि संयुक्त अरब अमीरात
इमारात और सऊदी अरब इससे पैसा कमाए। साथ ही कतर ये भी नहीं चाहता कि इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच लड़ाई खत्म हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो कतर की कट्टरता की दुकान पूरी तरह बंद हो जाएगी। इसलिए कतर हमास और पाकिस्तान दोनों का समर्थन करता है, पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देता है ताकि कतर इसराइल और भारत के बीच में अस्थिरता पैदा कर सके। कतर ने भारत को हमेशा से उकसाया है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या नुपुर शर्मा का मुद्दा या फिर हिजाब को लेकर आग भड़कानी हो। नागरिकता कानून के विरोध में उतरने के अलावा पत्थरबाजी करवाने में भी कतर अपनी बड़ी अहम भूमिका निभाता है। कतर का मकसद सिर्फ एक ही है, कट्टरता फैलाना। लेकिन भारत अब इस कतर को कुतरने के लिए तैयार है। जल्द ही मोदी कई बड़े ऑपरेशन अपने नौ सैनिकों को बचाने के लिए चलाने वाले हैं और कतर के बर्बाद होने की कहानी लिखी जाएगी। तो पीएम मोदी के इस सफल ऑपरेशन और कतर की बर्बादी की कहानी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।